नमस्कार दोस्तों, ट्राइबल किचन का ये एपिसोड हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ओडिशा के मयूरभंज ज़िले से। ये मयूरभंज का उदला ब्लॉक है और ये गांव है देवकुंड झामड़िया। और मेरे साथ जो साथी बैठे हुए हैं इनका नाम है पलटन हेम्ब्रम और ये संताल आदिवासियों का गांव है। इस गांव से और भी कहानी आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन आज ट्राइबल किचन में हम एक ख़ास तरह की भाजी बनाएंगे, यानी कि एक साग बनाएंगे। और वो साग क्या है, कैसा दिखता है और कहां से लाते हैं, पहले वो आपको दिखाते हैं। तो चलिए पहले वो साग लेकर आते हैं और उसके बाद उसको बनाएंगे, खाएंगे और उसका स्वाद आपको बताएंगे। इसका क्या करोगे? अच्छा, इसमें लेके आएंगे। चलिए, कहाँ पे आपने बोया हुआ है वो? जी सर। तो ये साग बोते हैं आप? जी सर। अच्छा, बहुत तरह का साग जंगल से भी लाते हैं ना? जी सर। चप्पल उतारना खेत में जाने के लिए? जी सर। अच्छा, खेत में आप चप्पल जूते पहन के नहीं जा सकते? जी सर, ये आपका नियम है। अच्छा चलिए, बैंगन भी बोया हुआ है ना? अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, हम ले जाएंगे सर ये वाला। अच्छा, ये वाला साग लेंगे। अच्छा ठीक है, लीजिए। चलिए आइए। Thank you.
तो दोस्तों, साग को धो के काट लिया गया है और काटने से पहले, धोने से पहले आपने देखा होगा कि अम्मा ने साग को चारपाई पे अच्छे से रगड़ा। और उसको रगड़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अगर आपने पम्पकिन या जिसे पेठा कहते हैं, कद्दू कहते हैं, उसके पत्तों को देखा होगा तो उसमें रोए होते हैं और जब आप हाथ में लेते हैं तो वो कांटे की तरह चुभते हैं। तो उसको निकालने के लिए और उसके बाद उनके जो रेशे हैं वो भी निकाल दिए गए और बारीक काटा गया है इसको। कई बार आपने देखा होगा जब वो दरांत से काट रही थी तो काफ़ी बारीक सरसों के साग की तरह इसको काटा गया है। इसके साथ साथ इसके जो फूल होते हैं पीले रंग के, वो भी धो के इसमें काट के डाल दिए गए हैं। कढ़ाई चढ़ चुकी है और अब आगे का प्रोसेस जो है, अब आप देखेंगे अम्मा इसको बनाएंगी, कितना टाइम लगता है, इसमें क्या क्या डाला जाता है और इसका स्वाद तो मैं आपको बताऊंगा ही। नमक और मिर्ची, हाँ शुक्रिया, बहुत बढ़िया। आपने खाना खा लिया? बैठिए ना, आप भी खाइए। आपने खा लिया है? अच्छा, और घर में सबने खा लिया है? चलिए, तो इसको इसमें मिक्स करके खाना है। हाँ, कैसे खाना है? अच्छा, पहले इसको खाना है उसके बाद इसको उठा के खाना है। इसमें नमक है? अच्छा, नमक डाल लें।
ये तो बहुत सारा है, बहुत ज्यादा है, एक छोटा बर्तन दे देंगे, है ना, क्योंकि इतना मैं नहीं खा पाऊंगा। तो दोस्तों, जो साग, एक ख़ास तरह का साग आपने देखा ही, उसके पत्ते हमने कहाँ से उसको हासिल किया और उसका बनाने का पूरा प्रोसेस भी आपने देखा, और अब इसका स्वाद चखने का समय आ गया है। और आप देख सकते हैं इस बर्तन में जो चावल दिए गए हैं उसमें काफ़ी पानी है। दरअसल ये चावल जो है वो रात को बना था, उसमें पानी डाल के उसको रख दिया गया था, काफ़ी नरम हो जाता है। और उड़ीसा में इसको बहुत शौक से खाते हैं, न सिर्फ आदिवासी खाते हैं, गैर आदिवासी लोग भी इसको बड़े शौक से खाते हैं। इसको क्या बोलते हैं आप? क्या बोलते हैं? बैस के दाका। तो ये संताली भाषा में, और उड़िया में क्या बोलते हैं? पोखड़ भातो। तो उड़िया में पोखड़ भातो, यानी के जो बांग्ला में पांता भात जिसको बोला जाता है, यानी के पानी वाला भात। तो इसमें मैंने नमक डाल लिया है और इसको अच्छे से मिला लेना है, है ना, और मिला के उसके बाद आप इसको, इसका स्वाद ले सकते हैं। वाह, जो भात है उसमें हल्की सी खटास है, और ये जो साग है एकदम फ्रेश, बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है इसका। और ख़ास तौर पे गर्मी के मौसम के लिए ये खाना बहुत ही हल्का होगा आपके पेट पर, और स्वाद में भी, क्योंकि जब आप बहुत गर्मी होती है तो आप चाहते हैं कुछ हल्का, कुछ रिफ्रेशिंग आप खाएं, कुछ ऐसा खाएं जो बहुत हैवी ना हो। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे, इतनी सादगी से, इतनी खूबसूरती से बनाया गया ये खाना, और पता नहीं आपने नोटिस किया है या नहीं, इस खाने की जो सब जो प्रोसेस की बारीकियां हैं वो आपने देखी ही, कैसे चारपाई पे रगड़ के उसको नरम किया गया, कितनी बारीकी से उसको काटा गया, फिर उसको अच्छी तरह से दो बार धोया गया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में मुझे जो सबसे मज़ेदार चीज़ लगी, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, और मैं चाहूँगा आप भी उसको नोटिस करें, या आपने नोटिस किया होगा, एक बूंद भी तेल इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है। आप सोचिए कि आप दोपहर को गर्मी में ऐसा खाना खाएं जो स्वादिष्ट भी हो और उसमें एक बूंद तेल इस्तेमाल ना हुआ हो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये बहुत मुश्किल नहीं है बनाना। हम कई बार स्वादिष्ट खाना बनाने के चक्कर में खाने का जो स्वाद है उसको मार देते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तेल या मसाले इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह का खाना आप ट्राई कीजिए, और मैं आदिवासी भारत में लगातार घूमता रहता हूँ, अगर आप इतनी सादगी से खाना खाएंगे, और इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि बहुत स्वादिष्ट खाना है ये, तो आप सेहतमंद रहेंगे, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा स्वाद के साथ साथ। कितनी पढ़ाई की है? तो 7 तक पढ़ाई की है। और शादी कब हुई आपकी? पढ़ाई कब छोड़ी थी आपने? 7 क्लास 7वीं में थी जब आपकी शादी हो गई। आप तो बहुत छोटी रही होंगी तब। और बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे हैं। आपको नहीं लगता है बहुत कम उम्र में आपकी शादी होगी? आपकी मर्जी से हुई थी या माँ बाप ने शादी? तो आपके ससुराल में मन लगता है आपका? अब तो लग ही जाएगा, अच्छे लोग हैं। लेकिन आप अपने बच्चों की शादियां इतनी कम उम्र में मत करना। नहीं करेंगे ना, है ना, बड़े होके पढ़ाना है, है ना,
तो दोस्तों आप ट्राइबल किचन को बहुत हमारा समर्थन कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छी कहानियों को सिर्फ अपने तक नहीं रखना चाहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपने सब्सक्राइब किया है तो दोस्तों को बताइए। और मैं ये चाहता हूँ, हमारी ये कोशिश है मेरी भारत की टीम की, कि जो गैर आदिवासी इलाके हैं देश के, वो आदिवासियों को समझ सकें, ट्राइबल किचन भी वो एक माध्यम है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जिस तरह से हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, आगे भी बढ़ाते रहेंगे। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग देश के दूर दराज के इलाकों में घूमते हैं, आदिवासियों से मिलते हैं, उनके खाने को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी भाषा बोली, उनकी संस्कृति को समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैं खाना निपटाता हूँ और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।